देखिए दोस्तों, होंडा की शाइन बाइक का इंजन है, इसका फुल इंजन का काम करने वाला हूँ और मैंने इसको खोल लिया है। देखिए आज मैं आपको करेंग के बारे में बताऊंगा, करेंग किस प्रकार से चेक करें कि करेंग का काम आ रहा है या नहीं आ रहा, और करेंग आवाज़ कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। देखिए करेंग को इस प्रकार से पकड़ें, ये कनेक्टिंग रॉड है, इसको इस प्रकार से पकड़ लें, और इस प्रकार से पकड़ने के बाद यहाँ से ऐसे इस प्रकार से इसके ऊपर चोट मारें, हाथ से चोट मारने पर देखिए अंदर आवाज़ आएंगी, यहाँ पे आवाज़ आएंगी, खटखट की आवाज़ आएंगी। देखिए अगर इस प्रकार से आवाज़ आए तो ये जो करेंग होती है इसके अंदर ये कनेक्टिंग रोड होती है, ये कट चुकी है, इसके अंदर बैरिंग होते हैं, छरे टाइप के बैरिंग होते हैं, वो कट जाते हैं, इसकी वजह से ये जो करेंग है ये आवाज़ करने लग जाती है और बाइक का साउंड अलग आने लग जाता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। और मैं इसको खराद पे लेके जाऊंगा और इसको रिपोर्ट कराऊंगा। ये जो कनेक्टिंग है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये नहीं डलेंगी, साथ में ये बैरिंग नहीं डलेंगी, और बैरिंग नहीं डलने के बाद में ये एकदम सही हो जाएंगी, ये कनेक्टिंग रोड नहीं डल जाएंगी, कनेक्टिंग रोड है ये नहीं डल जाएंगी, उसके बाद में एकदम सही हो जाएंगी। मैं इसको रिपेयर करवा के लाऊंगा और रिपेयर करवाने के बाद में आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर ये आवाज़ आती है या नहीं आती है। देखिए दोस्तों, मैंने इस करेंग को खरादे से सही करवा लिया है, जिसका ये कनेक्टिंग रोड है ये डलवा लिया है, साथ में इसका बैरिंग होता है ये बैरिंग डलवा लिया है, और अब ये जो करेंग है एकदम सही है। देखिए अभी इसके अंदर कोई प्ले नहीं है, देखिए अब ये कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रही है, एकदम सही हो गया। और अब हम इसको इंजन के अंदर डालेंगे और इसको डाल के हम इंजन बांधेंगे। अगर दोस्तों आपकी बाइक में गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है या क्रैंक की आवाज़ आ रही है, आपको पता लग जाए कि क्रैंक की आवाज़ आ रही है, तो आप इसको खराबी से सही करवा लें, इसको रिपेयर करवा लें, ये रिपेयर हो जाती है और रिपेयर होने के बाद एकदम सही हो जाती है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो के बारे में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको।